1 लाख की स्कॉलरशिप पाने के लिए आवेदन करें, चेक करें डेट्स, एलिजिबिलिटी और अवार्ड डिटेल। और कैसे करना है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ये जो स्कॉलरशिप है वो निकॉन स्कॉलरशिप 2022 है, निकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा छात्रों को एक अच्छा मौका लेकर आई है। इस स्कॉलरशिप में वह छात्र हिस्सा ले सकते हैं जिन्होंने अपनी 12वीं की कक्षा पास कर ली है। और इसमें अगर ख़ास बात मैं बोलूँ तो ये 12वीं के पास कर लिया है और किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो उस कॉलेज का एडमिशन्स का जो फॉर्म होगा और जो 12th पास किया वो फॉर्म ज़रूरी है। उसके साथ साथ कॉलेज में कितना उसका फीस, ईयरली फीस कितना है उसका रिसिप्ट होना चाहिए, और आपका जो अकाउंट में पैसे चाहिए उसके लिए आपको कैंसिल चेक की ज़रूरत पड़ेगी, ये सब से आपको मिल सकता है। और जो भी जितने भी उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, 31 मार्च 2020 तक ऑनलाइन मोड के माध्यम से ये निकॉन स्कॉलरशिप जो प्रोग्राम है उसमें आवेदन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये मौका है स्कॉलरशिप भरने के लिए। तो चाहे जितने भी मतलब अभी कॉलेज कर रहे हैं, जैसे कि 12th के बाद जो भी कॉलेज कर रहे हैं, बीटेक या बीएससी जो भी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। अच्छा, इसके लिए क्या क्या मानदंड है, जैसे कि ऐसे छात्र जिन्होंने न्यूनतम 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण की है और 3 महीने या उससे अधिक की अवधि के साथ फोटोग्राफी से संबंधित पाठ्यक्रम कर रहे हैं, वह जो उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। परिवार की वार्षिक आय ये भी कि 6 लाख से कम होनी चाहिए। हालांकि निकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बड़ी फॉर स्टडी कर्मचारियों के बच्चे इस कार्यक्रम के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आवश्यक दस्तावेज की क्या क्या जरूरत पड़ेगी, एक तो फोटो, पहचान पत्र और आपके पते का प्रमाण होना चाहिए, कक्षा 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, प्रवेश प्रमाण पत्र होना चाहिए, वर्तमान शैक्षणिक वर्ष शुल्क रसीद मतलब कितना फीस होगा प्रेजेंट में उसका, और छात्रवृत्ति जो स्कॉलरशिप आवेदक का बैंक खाता का विवरण होना चाहिए। ये सारा कुछ विवरण देके आप मतलब उसमें अप्लाई कर सकते हैं।